सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y200A डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर एप्लीकेशंस का क्लोन कैसे कर सकते हैं। क्लोन दैट मींस कि अगर डुप्लीकेट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर एक सिंगल व्हाट्सएप अपने फोन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं उसको क्लोन करके डबल व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी चलो डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं ऐप क्लोन सेटिंग्स को एक्सेस कैसे करते हैं। गाइस, फोन के अंदर एप्लीकेशंस का क्लोन बनाने के लिए सबसे पहले ओपन करेंगे हम अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हालांकि हमने ऑलरेडी ओपन करी हुई है, स्क्रॉल डाउन करके इसमें नीचे आना, एक सेटिंग्स होगी एप्स की, जस्ट आप प्रेस करेंगे, देन इस टाइप से ऑप्शंस मिलेगा, स्क्रॉल करके अगेन नीचे आएंगे, ऐप क्लोन सेटिंग्स पर क्लिक करना है। हालांकि दो तरीकों से हम एप्लीकेशंस का क्लोन कर सकते हैं। पहला मेथड तो सेटिंग्स का है। अब इसमें हम ये देख चुके हैं कि हमारी कौन कौन सी एप्लीकेशंस क्लोन हो सकती है। इसको आप अपने डिस्प्ले से ही इजिली क्लोन कर सकते हैं एक सिंगल प्रेस के अंदर। पहले तो यहां से अगर करना है तो जस्ट इनेबल करना है, इसका क्लोन वहां पर क्रिएट हो जाएगा। अभी बहुत सारे मल्टीपल एप्स हैं जिसे हम क्लोन कर सकते हैं। पहले बहुत मैक्सिमम थे, लाइक 5 या 6 समथिंग थे कुछ। अभी तो ई कॉमर्स एप्लीकेशंस भी इसके अंदर आ चुकी है जिसको हम क्लोन कर सकते हैं। अभी हमें पता है कि हमारी कौन कौन सी एप्लीकेशन क्लोन हो सकती है, तो यहां से एक सेटिंग से करने की। दूसरा है, आप सेटिंग्स पर जाइए, लाइक अपने होम स्क्रीन पर, और यहां पर आना है आपने जिसको भी करना है। मुझे पता है कि मेरा व्हाट्सएप क्लोन हो सकता है, इसको लॉन्ग प्रेस करना एंड इसमें एक डैशबोर्ड में आ जाएगा ऐप क्लोन। जस्ट आप ऐप क्लोन पे प्रेस करेंगे तो ये व्हाट्सएप का यहाँ पर एक डुप्लीकेट आइकन ऐड हो जाएगा। देन यहाँ से दोनों व्हाट्सएप के अंदर अलग अलग नंबर से हम वेरीफाई करके एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक गाइस समझे होंगे फोन के अंदर ऐप क्लोन सेटिंग्स एक्सेस कैसे करना था। एंड इसके रिगार्डिंग कोई और कंफ्यूजिंग होती है सो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।